तो फ्रेंड्स हाय वेलकम। देखेंगे जून का मंथ कैसा जाने वाला है आप लोगों के लिए। कलेक्टिव है, जनरल है रीडिंग, ठीक है, जनरली लीजिएगा। लेट्स सी कैसे जाने वाला है ये जून का मंथ आप लोगों के लिए। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन, बॉटम पे है चैरियट। देखिए जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में है ना, वो लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं इस मंथ। करियर में ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है काफ़ी लोगों की यहाँ पे। अगर कुछ टफ साइकिल था काफ़ी टाइम से, ठीक है, तो वो साइकिल ख़त्म होने वाला है। कोई विक्ट्री हो सकती है करियर में। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, जजमेंट दो बार आया है यहाँ पे। सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस मंथ स्टार्टिंग के फेज में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, पर आगे जाते जाते कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। कुछ बैड कर्मा था तो वो क्लियर हो जाएगा किसी चीज़ को लेके, ठीक है। एंड फादर या मदर से कोई रिवॉर्ड, गिफ्ट से कुछ ना कुछ मिल सकता है आप लोगों को। गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल सकता है अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है, एंड गवर्नमेंट जॉब कर तैयारी कर रहे थे तो वो मिलने के चांसेस हैं। फाइनेंशली आप काफ़ी स्टेबल रहने वाले हो इस मंथ। विक्ट्री मिलने वाली है किसी चीज़ की, स्पेशली करियर में सक्सेस मिलने वाली है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स। बॉटम पे है थ्री ऑफ कप्स। किसी पर्सन, कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है जिससे मूव ऑन करने वाले हो इस मंथ आप लोग। एक विक्ट्री की तरफ जाने वाले हो आप, ठीक है। कोई लीडरशिप जॉब वगैरह आपको मिल सकती है, कुछ सेलिब्रेशन को आप करने को आपको मिल सकता है, पर ये है कि ध्यान रखना कोई आपको बैक स्टेप भी कर सकता है। तो किसी का आपको रियलिटी पता चले और आप वहाँ से मूव ऑन करके चले जाएं, ठीक है। अगर कोई रिलेशनशिप में मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको चीट कर सकता है, फिर आप उससे मूव ऑन करके आगे निकल जाओगे एक सक्सेसफुल लाइफ की। और देख लेते हैं रिलेशनशिप के लिए क्या आता है जून के मंथ के लिए। फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड, बॉटम पे है फोर ऑफ कप्स। इस मंथ भी अगर आप रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो तो इस मंथ आपको कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने वाला। मैं पहले क्लियर कर दूं इस बात को, ठीक है। आपको स्टर्बन नहीं बनना, ठीक है, आपको मूव ऑन करना चाहिए। अगर कोई पर्सन आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहा तो आपको उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। उसके बारे में सोच के आप और लोगों, जो और लोग आपको आपके पास आना चाह रहे हैं उनको क्यों इग्नोर कर रहे हो आप लोग, क्यों आप मतलब क्यों आप ये अपने आप को बांधा हुआ है आपने, क्यों आप इस जोन से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हो। आपको यहाँ से बाहर आने के लिए, आपको यहाँ से बाहर आना चाहिए। आपको ज़िद्दी ज़िद्दी नहीं बनना बिल्कुल भी।
ठीक है, अपने ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है आपको इस मंथ। एंड अगर आप चाहो कि आपका पार्टनर आपको कुछ दे या जिसका आप वेट कर रहे हो, तो नहीं, उनका ईगो ख़त्म नहीं होना और उन्होंने आपको कुछ भी नहीं देना। आपको बीच में लटकाए रखना है, तो रिलेशनशिप के लिए तो ये मंथ कुछ खास मुझे अच्छा नहीं नज़र आ रहा आप लोगों के लिए। पर ये है कि अगर आप मूव ऑन करके जाओगे तो न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, ठीक है, न्यू सोसाइटी, न्यू कम्युनिटी बनेगी आप लोगों की, जिसमें आप खुश रहना सीख जाओगे। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज़ करना है। रीडिंग कलेक्टिव है तो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा आप, ठीक है। इफ़ अगर आप किसी का ऐसे वेट कर रहे हो तो मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ। और बताइए डिवाइन, जून के मंथ में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, आप इंडिपेंडेंटली कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, सेल्फ केयर पे लगे रहोगे, अपने लिए मतलब कोई बड़े बड़े एक्शंस लेने वाले हो इस मंथ, और जो चीज़ आपको बहुत ही सक्सेसफुल बनाएगी। जून के मंथ में आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बिल्कुल किसी की नहीं सुनने वाले, ठीक है, अपने में रहने वाले हो, ठीक है, डिटैच, जो आपको जितना देगा आप उसको वापस उसी तरह से देने वाले हो इस मंथ। अपने आप को बैलेंस करने में लगे रहोगे, खर्चे थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, ओवर स्पेंडिंग हो सकते हो, तो सोच समझ के आपने खर्चा करना है, वरना बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा इस मंथ तो आपको फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये चीज़ आपने सोच समझ के, ठीक है, प्लान करना है। कोई छोटा मोटा ऑफ़र, गिफ्ट, प्रपोज़ल आ सकता है, या किसी आपसे किसी छोटे एज के पर्सन का आपको प्रपोज़ल आ सकता है, लव रिलेशनशिप रिगार्डिंग कोई ऑफ़र आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा सा आपको अपना बॉटम पे है टेन ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली के साथ कुछ लड़ाई वगैरह हो सकती है, तो सोच समझ के बात करना है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी दुख होगा, प्रॉब्लम आ सकती है, तो फैमिली के साथ सोच समझ के आपको बात करनी है। या अपने वर्क प्लेस पे किसी कस्टमर से लड़ाई हो जाए, एग्रेशन, आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से आपका मनी में कोई प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाए, आपका फाइनेंसिस में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए, या फाइनेंसिस को लेके कोई इश्यू हो सकता है, ठीक है, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो उसके साथ झगड़ा हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर आपने लोन दिया है किसी को तो उसके साथ हो सकता है झगड़ा। तो अपने आप को अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून पहले भी यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया है, तो ये मंथ में कोई बिग चेंज होने वाला है, कुछ कर्मा कटेगा, ठीक है, जो भी आपको धोखा दे रहा था, मेरे ख्याल से वो कर्मा जो है वो सीक्रेट है, वो बाहर आ जाएंगे और वो जो कर्मा कटेगा और ये पर्सन आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा। जिस भी पर्सन ने आपको चीट किया है उसके राज खुल जाएंगे, ठीक है, और उनके साथ इतना ही कर्मा लिखा था, तो वो लोग आपकी लाइफ से बाहर हो जाएंगे और आप उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दोगे, मूव ऑन कर लोगे इस मंथ। राइट ऑफ हैंड, द वर्ल्ड, द हर्मिट, बॉटम पे है फोर ऑफ वैंड। काफ़ी लोगों का घर चेंज हो सकता है, अगर घर खरीदा है तो मतलब पार्टी वगैरह कर सकते हो, इनॉग्रेशन की पार्टी हो सकती है घर पे, आप घर चेंज कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, घर भी शिफ्ट कर सकते हैं इस मंथ, और अपनी खोज पे भी लग सकते हैं। लोगों से थोड़ा सा कटा फील हो सकता है आपको, कि आपको अकेले रहने का मन हो, ठीक है,
कहीं काम के लिए या वैसे ट्रैवल कर सकते हो, अगर फॉरेन जाना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हर्मिट आया है आगे, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। द मून टेन ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम पे हैरोफेंट। तो फ्रेंड्स हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हो या आप पे काम का बर्डन ज़्यादा हो सकता है, और मतलब काम आप ज़्यादा करो थकावट आपको ज़्यादा होगी, लेकिन आपको जो आगे से रिवॉर्ड या मनी का थोड़ा सा स्लो आए, मतलब धीरे धीरे आए, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट रह सकते हो आप अपने बॉस के नीचे थोड़ा सा। जैसे आप कहीं काम करते हो तो आपके जो सीनियर्स हैं वो उनके दबाव में आपके आपको इस मंथ ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो बस अपने आप को बैलेंस करके चलना है आपने। देख लेते कोई अच्छी चीज़ क्या होने वाली है, कुछ गुड चीज़, क्योंकि कुछ खास इतना अच्छा आया नहीं है, तो कुछ अच्छी चीज़ देख लेते हैं। कुछ अच्छा क्या मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहा है जून के मंथ में, डिवाइन प्लीज बताएं। डेथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स टू ऑफ कप्स बॉटम पे है एट ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी टाइम से अगर आप किसी पर्सन के पीछे पड़े थे कि वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, काफ़ी मेहनत कर रहे थे, तो मे बी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी को चेज कर रहे थे, किसी के पीछे पड़े थे, किसी का ऑब्जेशन था आपके ऊपर से, तो आई थिंक आप लोग रिलेशनशिप में आ सकते हो, आप लोगों की बातचीत वगैरह हो सकती है, पर टेम्प्ररीली है ये। कोई ज़्यादा अगर मैं कहूँ ना लंबा रिलेशनशिप वो मुझे खास नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्जेशन है ज़्यादा। बाकी क्लियर कर लेते हैं कुछ कार्ड्स को। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, टू ऑफ कप्स को क्लियर कर, स्टार, ओके। काफ़ी टाइम से पेशेंस के साथ अगर आप किसी पर्सन के साथ यूनियन का वेट कर रहे थे, तो फाइनली आप लोगों की यूनियन हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो को विश थी ना इस पर्सन के साथ रहने की, अगर आपके माइंड में कोई भी पर्सन था जिसके साथ आप रहना चाहते थे रिलेशनशिप में, और वो आपसे थोड़ा रूड था एंड आपको वो चीज़ नहीं दे रहा था, तो फाइनली उसके साथ न्यू बिगनिंग हो सकती है, स्टेबल न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, अगर आपकी ऐसी विश थी तो वो ज़रूर पूरी होगी, वो पर्सन के साथ आपका यूनियन ज़रूर होगा, आप लोग ज़रूर रिलेशनशिप में आ जाओगे, ठीक है। देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या गाइडेंस आती है आप लोगों के लिए जून मंथ की गाइडेंस। कम्युनिटी, जैसे मैंने कहा था किसी नई कम्युनिटी से मिल सकते हो, फ्रेंड्स वगैरह न्यू बनेंगे, ठीक है, कोई नई सोल फैमिली मिल सकती है, स्पिरिचुअल फैमिली मिल सकती है आप लोगों को। थिंकिंग वुमन, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो किसी का आपको प्रपोजल, बॉटम पे गार्डन एंड द गेट है। तो फ्रेंड्स इस मंथ मतलब अपने ऊपर काफ़ी फोकस करने वाले हो, अपनी ग्रोथ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ लर्न करोगे आप, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होएगी, तितली की तरह उड़ोगे आप, ठीक है, ग्लो करोगे, ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस भी करोगे, ठीक है, एंड मतलब कि आप ऐसे ही किसी को भी नहीं दे दोगे, आप पहले मतलब अपने ऊपर फोकस करोगे, सेल्फ लव करोगे इस मंथ, ठीक है। एंड अगर आप मेल हो तो मे बी आपको कोई ऑफ़र वगैरह आ जाए, ठीक है, एंड फीमेल्स हो तब भी आपको कोई ना कोई लव ऑफ़र आ सकता है इस मंथ। लेकिन अभी आपको ना इस मंथ कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाइज बहुत हैं, यहाँ पे बटरफ्लाई यहाँ पे, तो अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो एंड अब अभी आपने ना ग्रो करना है, बहुत ग्रो करोगे अभी इस मंथ, और ये ग्रोथ आपको बहुत ही मतलब सक्सेसफुल बनाएगी। ओवरऑल जून का मंथ आपको पूरा ट्रांसफॉर्म करके एक सक्सेसफुल इंसान बनाएगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।